नमस्कार जी, मैं हूं आपका भाई एडवोकेट जितेंद्र सीधे हाई कोर्ट से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपका पूछना ये है कि सर, राजस्थान हाई कोर्ट में भी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी जिसके आधार पर हम फॉर्म भर सके, तो ये हमें बताइए। दोस्तों, इसी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ सीधे हाई कोर्ट से। तो उससे पहले मैं बता दूंगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों, पूछना यह है कि आने वाली राजस्थान हाई कोर्ट की एलडीसी की वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए जिसके आधार पर फॉर्म भरा जाए। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ कि अभी हाई कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है कि आने वाली एलडीसी की वैकेंसी में योग्यता के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक होगा, यानी कि जिसके पास में ग्रेजुएशन है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आने वाली एलडीसी की वैकेंसी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, और क्लियर आपको मतलब जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा एलडीसी का उसमें आपको पता चल जाएगा हाई कोर्ट की में। तो अभी तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, अभी मतलब बातचीत चल रही है हाई कोर्ट के अंदर की ये प्रक्रिया की जानी चाहिए आगे आने वाली वैकेंसी में। ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए एलडीसी की वैकेंसी में, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो पसंद भी आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल का लिंक है, लीगल एडवाइजर जितेंद्र का, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।